कानपुर से बड़ी खबर। कल्याणपुर में दिन दहाड़े घर में घुसकर बुजुर्ग दंपति को चाकू से घायल कर लूट। जरायम लूट, डकैती, चोरी अपराध के बढ़ते मामलों के आगे बेबस कल्याणपुर पुलिस। कानपुर के कल्याणपुर थाना परिक्षेत्र में कमिश्नरी, पुलिसिंग, कानून का भय पूरी तरह से ध्वस्त व फेल। अपनी ही धुन में मगन रहने वाले और किसी की न सुनने वाले तानाशाह कल्याणपुर इंस्पेक्टर नहीं उठाते हैं सरकारी सीयूजी नंबर। सेटिंग गेटिंग के खेल के चलते बड़े बड़े मामलों को थाने के बाहर ही निपटा लेने वाले वर्षों से जमे पड़े सिपाही चलाते हैं कल्याणपुर थाना। अपनी संदेहास्पद कार्यप्रणाली के चलते अक्सर मीडिया की सुर्खियों में रहता है कल्याणपुर थाना। कानपुर के थाना कल्याणपुर क्षेत्र के सत्यम विहार इलाके में रिटायर्ड बैंक अधिकारी के घर दिन दहाड़े लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। लुटेरों ने इस दौरान बुजुर्ग दंपति को चाकू से घायल भी कर दिया। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद लुटेरे बुजुर्ग दंपति को धमकाते हुए अगर पुलिस को सूचना दी तो वे जान से मार देंगे। घटना के बाद बुजुर्ग ने थाना पुलिस को फोन किया, लेकिन उनका फोन न उठने पर अधिकारियों को फोन किया। दिन दहाड़े हुई लूट की खबर सुनते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की छानबीन की और घायल दंपति को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। लूट की इस वारदात में 14,000 रुपए नगद, सोने की चेन, लैपटॉप और मोबाइल वगैरह लुटेरे लूट कर फरार हो गए। क्षेत्रवासियों ने बताया कि इस कॉलोनी में 24 मकान हैं, इनमें से 4 मकानों में ऐसी ही घटनाएं हो चुकी हैं। इलाके में यह पॉश कॉलोनी मानी जाती है और यहाँ ज्यादातर बुजुर्ग लोग रहते हैं, क्योंकि इनके बच्चे ज्यादातर बाहर हैं। ऐसे में इन बुजुर्गों की सुरक्षा पुलिस के हाथ में है, लेकिन पुलिस की लापरवाही से यह घटनाएं यहाँ पर अक्सर होती रहती हैं। कानपुर से आरटीआई न्यूज 24 के लिए सूरज कश्यप की रिपोर्ट। मेरा नाम गुरदयाल धीर है। अगर क्या घटना हुई है आज? यह हुई है कि शुक्ला जी के घर में दो लोगों ने घुस के उनको मारा है और सामान भी कुछ ले गए होंगे, इसकी जानकारी अभी नहीं है। और इसके पहले भी जो है दो चोरी हो चुकी है मिस्टर कमल के यहाँ और उसके मिश्रा जी के यहाँ, लेकिन अभी तक उनकी पूरी फुटेज दी गई थी इनको पूरी वीडियो की, सीसीटीवी कैमरे की, लेकिन उसके बाद भी यह है कोई भी एक्शन अभी तक नहीं हुआ है उसके ऊपर। और इनसे यही अनुरोध है कि जितना भी जल्दी हो सके इन दोनों घटनाओं की जो है जानकारी करके जो है पूरे इसको पब्लिश किया जाए। कौन सा थाना लगता है यहाँ पे? थाना कल्याणपुर लगता है, आवास विकास नंबर 1 में चोरी हुई है ये दोनों। पहली वाली चोरी को तो 1 साल हो चुका है करीब, और वो इसके पहले जो है एक कमलकांत वाजपेयी थे उनके घर में भी ऐसे घर के घुसते चोरी हुई थी, उसका भी अभी तक कोई पता नहीं लगा है कि किसने मारा और कौन चोर थे। इस तरह की घटनाएं बार बार होती रहती हैं। पता यह है इन लोगों से पुलिस से अनुरोध है कि इस चीज़ का जो है पूरा पता करके जो है इस चीज को जो है पब्लिक में जो है बताया जाए कि कौन थे और क्या थे और किसने किया है। आज ये शुक्ला जी क्या घटना हुई है, करते क्या थे? ये बैंक में है, ग्रामीण बैंक में है, नौकरी करते हैं, बच्चे इनके दोनों बाहर ही हैं। अच्छा, ये घर पे अकेले थे? घर पे दोनों मियां बीवी थे। कितने बजे की घटना? ये घटना का टाइमिंग तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी जैसे जानकारी मिली है कि 8 बजे के आसपास में ये चोरी हुई है। ये क्या नाम है आपका? निर्मल तिवारी। क्या घटना हुई भैया यहाँ पे? आज 8:15 के बीच में बदमाशों ने यहाँ पर आर्यन शुक्ला जी के घर पे हमला कर दिया लूट के इरादे से, और उनको काफी चोटें आई हैं। दोनों पति पत्नी को मारा है और बार बार उनको लूटने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि वो सारा बैंक कर्मी है, बैंक में उनका सब फंड होगा, वो मार रहे थे कि पैसा नहीं है, तुम बता नहीं रहे हो, इस करके काफी चोटें आई। इससे पूर्व भी 2 बार यहाँ पर हो चुकी हैं और वास्तव में दोनों बार कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि 3 बार आर्यन शुक्ला जी के अलावा कमलाकांत वाजपेयी जी का सर फाड़ा गया था, उस समय FIR हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद में कमल जी के यहाँ हुई, मिश्रा जी के यहाँ चोरी हुई, 4 चोरियां इस बीच, 4 इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं इस कैंपस में, सिर्फ 24 घरों के बीच में 4 हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से कोई यहाँ पर रेकी करता है, और मुझे लगता है आसपास जो ये इस तरह की बस्ती है इन्हीं से निकले हुए लोग हैं, मेरा ऐसा मानना है। पुलिस को इसमें गंभीरता से छानबीन करनी चाहिए और निश्चित तौर पर इस केस को खोलना चाहिए। यदि केस नहीं खोलता है तो इस तरह की घटनाएं बढ़ती रहेंगी, लोगों को मनोबल बढ़ता रहेगा। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी से प्रतिनिधित्व भी करते हैं, राजनीति करते हैं, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि पुलिस की कार्यशैली सरकार की छवि खराब कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तक ये इस क्षेत्र में ये जो घटनाएं हैं पहले की, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार के पूर्व की है, ये पहली घटना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि हम इस सरकार में
पुलिस गंभीरता से इस केस को खोलेगी, क्योंकि दो तीन जो घटनाएं हुई पूर्ववर्ती सरकारों के समय की थी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लापरवाही की गई है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस घटना में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होगी और पुलिस निश्चित रूप से अब कमिश्नरेट भी है हमारा कानपुर, कमिश्नर साहब इसे निश्चित रूप से संज्ञान में लेंगे और निश्चित रूप से इस पर कार्यवाही होगी, ऐसा मेरा मानना है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वह कल्याणपुर थाना प्रभारी को कई बार फोन मिलाया, उन्होंने फोन नहीं उठाया, फिर उन्होंने डायरेक्ट कमिश्नर से बात की, उसके बाद में कमिश्नर के हस्तक्षेप के बाद में कल्याणपुर पुलिस जागी है। ये हो सकता है क्योंकि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मुझे फोन आया था, मैं उस समय नवस्था में कहीं बैठा हुआ था, मैं आठ बजे निकला हूँ और 8:05 के शायद ये घटना हो गई है, तो मुझे ये जानकारी नहीं है कि फोन किसे किया गया किसे नहीं किया गया। हाँ ये जरूर है कि उसके तुरंत बाद मैंने भी सूचना दी सभी लोगों। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।